देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है क्रैमर्स रूल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व द क्रैमर्स रूल। तो चलिए पहले इसको देखते हैं हम, वो इक्वेशन से बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 4x, तो पर इसको कैसा सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए ये 4x प्लस 3y एज इट इज़ रखना है, माइनस 4 को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस 4। और इसे हम क्या करेंगे, ये 6x यहाँ पर है, माइनस 5y को इधर लेके आएंगे तो प्लस 5y इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1 की वैल्यू कितनी है 4। देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 कितना है 6। देखिए ये सारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 b1 कितना है 3, b2 कितना है 5, c1 कितना है 8, सी वन हमारे पास में अवेलेबल है, अच्छे से लिख लेता हूँ थोड़ा इसे मैं। देखिए C1 हमारे पास में है 4, ये देखिए 4, और C2 हमारे पास में है 8। ओके, दो फार्मूले हमें दिए गए, ये फार्मूले दिए गए हमारे पास में 5, इसमें हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो इज इक्वल टू, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया क्योंकि इजी जाता है फिर मुझे, ठीक है। तो अब चलिए वैल्यू पुट करता हूँ डायरेक्टली मैं इसमें। देखिए डी, ये वैल्यू कौन थी डी की, तो a1 a2 कितना है, a1 a2 के ऊपर लिख देंगे 4 6 4 6, b1 b2 के को कितना है 3 5, इनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 × 5 माइनस 3 × 6। ओके, आगे सॉल्व करते चलिए, 4 5 20, 4 5 20 माइनस 6 3 18, 20 में से 18 गए 2 बच रहे हमारे पास में, तो डी कितना आ गया हमारे पास में 2 आ गया, डी कितना आ गया 2 आ गया। चलिए अब इसमें लिखेंगे हम C1 C2 लिखेंगे इसमें, C1 C2 कितना है हमारे पास में, देखिए C1 C2 है 4 8 4 8, डी एक्स की वैल्यू निकाले, और B1 B2 कितना है 3 5 3 5, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं 4 × 5 4 × 5 माइनस 3 × 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × 8, सॉल्व करते हैं 4 5 20 माइनस 8 3 24, तो अगर हम इसमें से इसको निकालते हैं तो इसमें से हमें आंसर कितना मिलने वाला है माइनस फोर, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं हम, a1 a2 कितना है, a1 a2 4 6 है, देखिए यहाँ पर 4 6, a1 4 है, a2 6 है, c1 c2 कितना है 4 8 है, 4 × 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 × 6, 4 8 32 माइनस 6 4 24, अगर हम 32 में से 24 को माइनस करते हैं तो 8 मिल रहा है हमें, कितना मिल रहा है 8। देखिए वैल्यू हमने निकाल दी है। चलिए अब लास्ट हमारे पास में x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम ये वैल्यू में, देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, x का फार्मूला क्या हमारे, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, dx कितना निकाले, देखिए ये पहले ये dx माइनस फोर, d कितना निकाले हमने, देखिए पहले 2 2 1 2 2 2 4 -2, y का फार्मूला देखिए dy अपॉन डी, dy कितना निकाले हमने, देखिए यहाँ पर ये dy 8, dy कितना है ये देखिए 8 अपॉन डी कितना है 2 2 4 8, तो x की वैल्यू हमारे पास में निकल गई है। हम लास्ट में लिख सकते हैं इस तरह, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 4, इट इज द सॉल्यूशन। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूले।